तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो क्या है, टैक्सोनॉमी। आपने देख लिया होगा हेडिंग को और थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी आज हम पढ़ेंगे भैया। तो कल हमने पढ़ा था कुछ ब्रांचेस के बारे में बायोलॉजी की, और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में टपकने वाला है। एसएससी जीडी का अगर आपने फॉर्म भरा है, पहले या दूसरे सेक्टर में आपका एक क्वेश्चन आने वाला है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, पादप विज्ञान के जनक कौन है, कौन है, थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। और कल की चीज में और एक चीज मैं बताऊं आपको, तो हमने बात करी थी टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सो का मतलब होता है दोस्तों ग्रुपिंग करना, ठीक है, और नॉमी का मतलब होता है नामकरण करना, ठीक है। नॉमी का मतलब क्या होता है, नामकरण या उनका नाम रखना। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सो का मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना और उनका नामकरण करना। तो हुआ ये कि बहुत सारे जीव थे, जंतु थे, जब बायोलॉजी की शाखा बनी, ठीक है, तो बायोलॉजी की शाखा का बनाने के वास्तव में जो उनका जो विचार था इसके पीछे, कि विभिन्न जीव जंतुओं का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है कि उनमें जो है सेल किस प्रकार से पाई जाती है। सबसे पहले सेल की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, ठीक है। उसके बाद से ही जो है बहुत सारे खोजें होने लगी, ठीक है। तो विभिन्न जो जीवों के उनके रहने के स्थान के अध्ययन, उनका जो न्यूट्रिशन है उसके आधार पर जो है अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी। उसी क्रम में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे अरस्तु, उन्होंने क्या काम किया था, सब बायोलॉजी में संपूर्ण जितने भी जीव थे, जितने भी लिविंग थिंग्स थी, उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब कि जो जल में रह रहे हैं उन्हें क्या बोल दिया, जलचर, और जो स्थल में रहते हैं उनके आधार पे जो है, मतलब कि रहने के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग, ठीक है, जहां वो रहते हैं उसके आधार पे उन्होंने क्या काम किया, दो भागों में संपूर्ण जो है जीवों को वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। लेकिन वो एक उनका जो वर्गीकरण का आधार था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि जल में रहते हैं लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग होती है। जैसे कि हम बात करें एल्गी, शैवाल की, है ना, तो शैवाल क्या है, एक प्लांट है, मतलब कि प्लांट से भी अलग है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन जो प्लांट है और शैवाल की जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है ना। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरे हमारे वैज्ञानिक आते हैं लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने ही टैक्सोनॉमी का जो है अच्छे तरीके से अध्ययन किया, इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, तो लिनियस को बोला जाता है, आपको याद रखना है लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का क्या नाम था, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी। ये नाम कैसा है, तो ये लैटिन नाम होते हैं, लैटिन नाम इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, सिस्टमा नेचुरी। इसमें इन्होंने क्या काम किया, पादप अवर जो है जंतु जगत में दो भागों में पूरे के पूरे जो इसको बांटा था, है ना, जंतु और पादप में जो है पूरी की पूरी जो बायोलॉजी में जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनको दो भागों में बांटा, कौन कौन से, एक पादप और दूसरा क्या, जंतु, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इनकी बुक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमा नेचुरी। और भी बुक है फिलोसोफिया, और भी इनकी जो बुक है उनका भी आपको नाम मैं बता देता हूं, ठीक है, स्पीसीज, स्पीसीज प्लांटेरम, एक तो इनकी बुक का आप याद रखेंगे क्या, स्पीसीज, स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम, इसके भी नाम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, स्पीसीज प्लांटेरम किसकी बुक है, कैरोलिनियस, कैरोलस लिनियस की बुक है, ठीक है। और दूसरा जो नाम है आपको याद रखना है क्या, थियोसोफिया बोटेनिका, थियोसोफिया, थियोसोफिया हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, थियोसोफिया बोटेनिका, बोटेनिका, ठीक है, ये जो दो बुक है इनको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है।
अगली बात करते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी के कुछ स्टेप्स फॉलो की जाती है, मतलब कि अगर किसी भी जीव की अगर खोज होती है ठीक है, तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब कि उस जीव का पता लगाते हैं कि ये जीव है। उसके बाद उसे क्लासिफाइड करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन होता है। और तीसरा जो चरण होता है उसे क्या बोलते हैं नोमन कल्चर, मतलब कि इसमें नाम उस स्पीसीज का क्या किया जाता है नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो टैक्सोनॉमी की कितनी स्टेप्स होती है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है टैक्सोनॉमी की तीन चरण होते हैं कौन कौन से, क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और नोमनक्लेचर। नोमनक्लेचर ही जिसे आप क्या बोलते हैं द्विनाम पद्धति ठीक है, जिसमें साइंटिफिक नेम्स हम पढ़ते हैं विभिन्न जंतुओं का, जैसे कि मानव का अगर साइंटिफिक नाम अगर के आप बात करें तो होमो सेपियंस क्या है मनुष्य का साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम की अपन अगले जो लेक्चर में बात करेंगे, यहां पर अगर करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सोनॉमी की ही अपन चर्चा करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले आपको एक चीज ये याद रखना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। इनकी बुक कौन सी है सिस्टम ऑफ नेचर है, और सिस्टम ऑफ नेचर में इसने संपूर्ण जीव जंतु को पादप जगत और जंतु जगत में बांटा था ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे ही क्या बोला जाता है पादप जगत और जंतु जगत में जब इन्होंने बांटा तो इसे बोलते हैं दोस्तों क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे क्या बोला जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो अवर कोई नहीं थे, वो व्यक्ति कौन थे कैरोलस लीनियस ही थे किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन था किसने दिया लीनियस ठीक है लीनियस कैरोलस लीनियस, याद रहेगा आपको आसानी से याद रहेगा। इसी प्रकार से कैरोलस लीनियस ने क्या काम किया था, दो भागों में बांटा पादप और किस चीज में जंतु में है ना। इसके बाद अर्नेस्ट हेकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो इसके बाद कौन सा आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। हेकल आप याद रख सकते हैं, हेकल इसका पूरा नाम क्या है अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने क्या एक जो नया जो किंगडम बनाया उसका नाम क्या है मोनेरा, इन्होंने कौन सा किंगडम बनाया था मोनेरा ठीक है। मोनेरा को फिर से दोस्तों वाइस नाम के साइंटिस्ट ने वाइस ने दो भागों में बांटा था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ठीक है। तो हालांकि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ही क्वेश्चन आता है थोड़ा अगर डीपली अगर एग्जाम का पैटर्न अगर आ जाता है डिफिकल्ट लेवल तो आपसे पूछ लेगा मोनेरा का जो सब किंगडम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, किसने दिया था वाइस ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो चौथा आता है दोस्तों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और चौथा जो इन्होंने बनाया किसको प्रोटिस्टा को ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ठीक है। इन्हीं का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बाकी जो है दोस्तों इनका पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर एच विटेकर ने ही जो इसने हेकल ने क्या काम किया था प्रोटिस्टा को ऐड किया था, सॉरी मोनेरा नहीं है इसमें प्रोटिस्टा को इसमें ऐड किया था, प्रोटिस्टा को ऐड किया था इसने एक जो बनाया था, और कोपलैंड ने मोनेरा को ऐड किया था ठीक है। तो इन्होंने सभी चीज को मिलाकर एक जो है सुव्यवस्थित ढंग से पूरे के पूरे जीव का वर्गीकरण किया, और पूरे जीव को कितने भागों में बांटा पांच भागों में बांटा था, जो कौन कौन से थे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटेई और एनिमल ठीक है, पांच थे तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है ठीक है। तो इसी का हम पढ़ेंगे दोस्तों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके पहले आप देख लीजिए जो आपने सुना होगा किंगडम के बारे में है ना,
इसके बाद जो होता है इनकी हायरार्की की बात करें, मतलब कि इनका क्रम की बात करें, वर्गीकरण के क्रम की बात करते हैं, तो एक इनका क्रम आता है। जैसे कि किंगडम जो है सबसे बड़े समूह को बोला जाता है क्या, किंगडम, ठीक है। जैसे कि अगर बात करेंगे किंगडम की, किंगडम की, तो ये सबसे बड़ा समूह होता है, ठीक है। इसमें जो है इसके अंतर्गत ही छोटे छोटे सब किंगडम में विभाजित किया जाता है। जैसे कि मोनेरा, जो मोनेरा किंगडम था उसको वाइस ने दो भागों में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, है ना। तो उसी प्रकार से जो किंगडम होता है वो सबसे, जो हायरार्की की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर रखा जाता है किसको, किंगडम को। इसे ही क्या बोलते हैं हिंदी में आप, जगत, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जगत बोलते हैं। किंगडम के बाद क्या आते हैं, फाइलम, फाइलम। इसे क्या बोलते हैं, संघ बोला जाता है। तो ये हायरार्की आपसे कई बार एग्जामों में इनको जमाने के क्रम में पूछ ली जाती है, मतलब कि चार पांच ऑप्शन दे देगा और इनको जमाना आपको पड़ेगा, मतलब कि सही क्रम में जमाना है आपको। तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर क्या आएगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, फाइलम आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, क्लास, क्लास जिसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। क्लास के बाद आएगा दोस्तों क्या, गण, जिसे क्या बोलते हैं, फैमिली, फैमिली, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, सॉरी, क्लास को ही वर्ग बोलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है गण, है ना। और इसके बाद आती है क्या, फैमिली, ठीक है। ऑर्डर, फैमिली को वही क्या बोलते हैं, कुल। हिंदी में अगर बात करें तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल। और कुल के बाद क्या आता है, वंश और जाति। इसके बाद क्या आता है, वंश और जाति, ठीक है, वंश को जीनस और स्पीसीज। नीचे का नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं हम। ऑर्डर के बाद क्या, फैमिली, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। ये क्या है, वंश, और ये है क्या, जाति। तो वर्गीकरण की आधारभूत अगर आपको पूछा जाए, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, जाति होती है, ठीक है। और इसी जो स्पीसीज का प्रयोग ही हम क्या, जो साइंटिफिक नेम लिखने में करते हैं, क्या चीज का, स्पीसीज का प्रयोग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो क्या है, जाति है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विटेगर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। तो विटेगर ने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और तो आप हेडिंग डालेंगे विटेगर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम, किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन्होंने पांच भागों में संपूर्ण जो है जगत को, जीव जंतु को पांच भागों में डिवाइड किया। तो इनमें सबसे पहला क्या है, मोनेरा। यहां से भी क्रम से आपको याद रखना है, मोनेरा। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे आता है कवक, जैसे फंजाई बोला जाता है। चौथा है पादप, और पांचवा क्या है, जंतु जगत, जंतु जगत, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। तो ये लैटिन भाषा में जो लिखे गए थे ये नाम, तो एनिमेलिया को अब एनिमेलिया ही बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड नहीं है। आपको बार बार मैं बताऊं, प्लांटे भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, तो जो जो विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आर एच विटेकर ने दिया था। और जो विटेकर ने दिया था किस आधार पे दिया था, तो उनकी कोशिकी संगठन के आधार पे दिया था, कि उनकी जो कोशिका किस प्रकार से है, जो उनका जो कोशिकी संरचना कैसी है,
उसके आधार पर उन्होंने बात करी थी और उसमें पोषण किस प्रकार से होता है उसके आधार पर उन्होंने बात करी थी। तो इन सभी को हम कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं फटाफट से, तो जो है आपको याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो मोनेरा की जो कोशिका है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। कैसी है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है मोनेरा की। आपसे एग्जाम में पूछेगा मोनेरा में जो कोशिका होती है, मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनकी कोशिका कैसी रहती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है दोस्तों प्री मैच्योर, मतलब कि इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता, मतलब कि अविकसित कोशिका रहती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और ये सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकी जीव होते हैं, एक कोशिकी जीव होते हैं, कोशिकी जीव रहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है इसमें। बाकी सब में यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित कोशिका, उसे क्या बोलेंगे आप? यूकैरियोटिक बोलेंगे। इसकी भी यूकैरियोटिक कवक की, पादप की भी और जंतु की भी, इन सभी में क्या आएगा? यूकैरियोटिक आएगा। सिर्फ मोनेरा में ही क्या आता है? प्रोकैरियोटिक आता है। अगर एग्जाम से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि पादप की कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक होती है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर आता है? तो इसमें अंतर आ गया क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। और इनमें कोशिका की बात करें तो ये भी एक कोशिकी जीव होते हैं, एक कोशिकी जीव, ठीक है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे के सारे जीव आते हैं किस चीज में? प्रोटिस्टा में। अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। कवक जो होता है बहुकोशिकी होता है, बहुकोशिकी होता है, लेकिन इनमें एक अपवाद होता है दोस्तों, उसको आप याद रखेंगे, ईष्ट को। ईष्ट जो होता है कैसा होता है? ये ईष्ट एक कवक है, लेकिन ये कैसा है? एक कोशिकी है, कोशिकी है, ठीक है। इसी में आता है एक युगलिना। युगलिना का भी आप नाम याद रखेंगे, युगलिना। युगलिना को किस प्रकार से जाना जाता है? कोई कैसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनर कि पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी को क्या बोला जाता है? युगलिना बोला जाता है। सॉरी, चलो इसके बारे में बात करेंगे। पादप की बात करें तो ये भी बहुकोशिकीय होते हैं और ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें अंतर क्या है? इनमें जो पोषण होता है वो कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है पोषण, और इसमें हिटरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। मतलब ये विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। कवक में पोषण किस प्रकार से होता है? इनमें न्यूट्रिशन की कैसे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है कवक में? तो दोस्तों कवक में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे सेप्रोफेटिक बोलते हैं, सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक का मतलब क्या होता है? मृत जीवी, मृत जीवी, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक से मोनेरा के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको। आज की क्लास में इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी जो डिटेल में क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर देना, ठीक है।